नमस्कार बच्चों, आज हम वर्कशीट 44 समझेंगे। तो पिछली वर्कशीट में हमने चैप्टर शुरू किया था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। जो तत्वों का वर्गीकरण है उसकी आवश्यकता क्या है, इसके बाद डोबराइनर के त्रिक क्या होते हैं। जो डोबराइनर एक साइंटिस्ट है, उसने तीन तीन के तीन त्रिक बनाए थे, ठीक है। उसमें जो मध्य वाला त्रिक था, उसका जो भार था, उसके परमाणु का भार बाकी दोनों के मध्य था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या होता है। इसमें उसने आठ सुर से आठ आठ के ग्रुप में अरेंज किया और उसने देखा कि जो पहला पदार्थ है और आठवां पदार्थ है, उनके गुणधर्म हमेशा सेम है, ठीक है। तो हमने ये तीन चीज़ें देखी थी, आज हम इसके बाद का पढ़ेंगे। इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़नी है हमें। मेंडलीव भी एक साइंटिस्ट था। जो मेंडलीव था वो कहाँ का है, वो साइबेरिया का है, ठीक है। साइबेरिया में एक जगह है टोबोलस्क, वो टोबोलस्क स्थान में पैदा हुआ था और उसने भी एक आवर्त सारणी अपनी तरह से बनाई थी, व्यवस्थित किया था उसने भी सारे तत्वों को। और उसकी जो सारणी है उसको क्या कहा जाता है कि ये रसायन के अंदर, रसायन जो है ये विज्ञान का ही एक भाग है, ठीक है। तो रसायन के अंदर ये एकमेव सिद्धांत साबित हुआ, ठीक है। मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा दर्जा, ऊंचा दर्जा दिया जाता है और इससे नए तत्वों की खोज के लिए भी प्रेरणा मिली, ठीक है। लोगों ने इसकी आवर्त सारणी को देखते हुए और नए पदार्थों को भी खोज दिया। उन्हें जब पता चला कि ऐसे ऐसे और पदार्थ भी मिल सकते हैं जिनका परमाणु भार इतना होगा, जो ऑक्सीजन के साथ होंगे या हाइड्रोजन के साथ होंगे, तो इसने ये सब बताया। इससे नए तत्वों के खोज के लिए भी प्रेरणा मिली। तो उसका जो सिद्धांत था वो क्या था, तो अभी तक हमने देखा था दो सिद्धांत। एक तो हमने देखा डोबराइनर के त्रिक और हमने देखा न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, और ये दोनों रिजेक्ट हो गए थे। तो क्या हुआ, कई वैज्ञानिकों ने ऐसे कई प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्म और उनके परमाणु द्रव्यमान जो हैं उनको एक साथ रिलेट किया जा सके, ठीक है, उनमें संबंध स्थापित हो सके। तो तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको जाता है, मेंडलीव को जाता है। ये है मेंडलीव, ठीक है। मेंडलीव ने क्या किया, तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मेंडलीव ने क्या किया था, उसने भी संबंध बनाया था परमाणु द्रव्यमान के बीच में और गुणधर्म के बीच में, लेकिन उसने सिर्फ मूल गुणधर्म नहीं लिए थे, जो भौतिक गुणधर्म होते हैं उसके साथ उसने रासायनिक गुणधर्म भी लिए, ठीक है। तो उसने भौतिक गुणधर्म देखे, रासायनिक गुणधर्म देखे और द्रव्यमान देखा, ठीक है। तो बच्चों, इस मेंडलीव ने क्या किया था, इसने 63 तत्वों को निकाला, ठीक है। टोटल तत्व जो हैं उसमें से 63 तत्व उसने लिए, ठीक है, और उन सब का परमाणु द्रव्यमान देखा और उसके गुण देखे, भौतिक भी गुण देखे और रासायनिक गुणधर्म भी देखे और उनके बीच में अध्ययन किया। तो अब तक जितनी भी रिसर्च हुई थी उसमें क्या था, सब लोगों ने परमाणु का भार देखा था और गुणधर्म देखे थे, लेकिन वो सारे भौतिक थे। लेकिन इसने सबसे पहले क्या किया, इसने परमाणु का भार देखा, जैसे ऑक्सीजन का भार है वो देखा कि कितना होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का भार जैसे 16 होता है। उसके बाद उसके गुणधर्म देखे, ठीक है, उसके गुणधर्म कुछ भौतिक होते हैं, कुछ रासायनिक होते हैं, जैसे जो ऑक्सीजन है वो कुचालक होगा, ठीक है, तो ये उसका भौतिक गुणधर्म है। इसके बाद गैस होगा, ठीक है, ये सब उसके क्या है, भौतिक गुणधर्म है। और रासायनिक गुणधर्म देखे, रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है कि जब वो किसी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो उसने उसके लिए दो अभिक्रियाएँ ली कि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो इसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो इसके रासायनिक गुणधर्म थे उनको बहुत ज़्यादा महत्वता दी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये बहुत ही सक्रिय पदार्थ हैं, है ना। हमने जितने भी यौगिक आज तक देखे हैं उन ज़्यादातर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, इसलिए उसने इन सब गुणधर्मों को देखा और उसने देखा कि जब हम समान गुणधर्म वाले पदार्थों को एक साथ लगा देते हैं, ठीक है, जब हम समान गुणधर्म वाले पदार्थों को एक साथ लगा देंगे, ये सारे पदार्थ जिनका गुणधर्म सेम है, ये सारे पदार्थ जिनका गुणधर्म सेम है,
ऐसे अगर हमने लगाया और हमने देखा कि उनका जो परमाणु भार था वो कैसा आएगा, आवर्त के फॉर्म में आएगा, आवर्त का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, जैसे ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, तो ऐसे सारे पदार्थ जो भी 63 पदार्थ उसने लिए वो उन सारे पदार्थों को इस तरीके से लगा पाया कि उनके जो परमाणु भार थे वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जो समान भार वाले, जो समान ग्रुप वाले परमाणु थे, ये जो सारे तत्व थे, इन सबका क्या था, गुणधर्म एक जैसा था। ये सारे जो तत्व थे इनका गुणधर्म एक जैसा था। जैसे मेंडलीव ने काम किया, इसने भी उसी दिशा में काम किया, इसने उससे थोड़े ज़्यादा पदार्थों को किया, उसने सिर्फ कैल्शियम तक के पदार्थों को किया था, और उसने कुछ गड़बड़ भी कर दी थी, बीच में दो पदार्थों को एक साथ रख दिया, ये सब कर दिया। इसने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके गुणधर्म रासायनिक भी देखे, है ना, और इसने 63 तत्वों को ऐसे अरेंज किया। और इसने क्या किया, इसने रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चुनाव क्यों किया, क्योंकि वो बहुत ही सक्रिय हैं, सक्रिय मतलब वो सबके साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, और सारे जो यौगिक होते हैं ज़्यादातर उनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद उसने देखा कि इन तत्वों से मिलने वाले हाइड्राइड, जो हाइड्रोजन से मिलने वाले हाइड्राइड हैं और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनने वाले ऑक्साइड हैं, उनके जो सूत्र हैं उनको भी वर्गीकृत किया, ठीक है। जो इसने पदार्थ का वर्गीकरण किया वो इन सबको ध्यान में रख के किया, तो उसे देखा समान गुणधर्म वाले तत्व जब हमने एक साथ रखे तो अधिकतर तत्व आवर्त सारणी के हिसाब से थे, ठीक है। उनका जो वेट था, उनका जो परमाणु भार था वो आवर्त था, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाए, ठीक है। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, आवर्त वर्गीकरण। तो इसीलिए जो मेंडलीव की आवर्त सरणी का आधार है, ये जो तुम्हें याद करना है वो यही करना है कि जो तत्वों का गुणधर्म है वो उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है, ठीक है। तत्वों के गुणधर्म, जो तत्वों के गुणधर्म हैं, चाहे वो भौतिक गुणधर्म हो चाहे रासायनिक गुणधर्म हो, वो किसके हिसाब से होते हैं, वो द्रव्यमान के हिसाब से, द्रव्यमान का आवर्ती फलन है, ठीक है, उसके हिसाब से, उसके आवर्तीकरण से ही वो आते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से जो और वैज्ञानिक थे उन्होंने नए नए तत्वों की खोज की, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके बाद जो तत्व आएगा, सपोज़ ये एक सारणी है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, तो सपोज़ यहाँ तक का पदार्थ जो है वो डिस्कवर हुआ हुआ है, तो उनको पता था कि जो ये वाला पदार्थ होगा इसका जो वेट है वो क्या होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, है ना, और इससे थोड़ा सा कम होगा, और उनको ये भी पता है कि इसके जो गुणधर्म होंगे वो कैसे होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है, इसके पहले वाले जैसे होंगे, और इसका भार कितना होगा ये भी पता था। तो ऐसे नए नए तत्वों की खोज जो है वैज्ञानिक कर पाए, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है कि जो मेंडलीव है उसने कैसे अपनी आवर्त सारणी बनाई थी। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है जिसके अंदर 63 पदार्थ हैं। तो इसमें तुम्हें बताया हुआ है कि ग्रुप जो है वो क्या होता है, ये ऊर्ध्व स्तंभ है। ऊर्ध्व स्तंभ मतलब क्या होता है, ये स्तंभ, ये ग्रुप है, ठीक है। इसमें समान गुणधर्म वाले सारे पदार्थ एक साथ होंगे, ठीक है, और इनका जो वेट होगा वो कैसा होगा, इसका सबसे कम, इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद जो पंक्ति है उनको क्या कहेंगे, पीरियड। ये वाली जो पंक्ति है ये क्या है, पीरियड, और ये क्या है, ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में हमेशा समान होते हैं, जैसे जो एक फ्रेंड का ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, समान टाइप के लोग होते हैं, है ना, एक जैसे दोस्तों का एक ग्रुप बनता है ना, तो इसीलिए ग्रुप में सेम टाइप के पदार्थ हैं। और पीरियड में क्या है, जैसे तुम्हारे पीरियड लगते हैं वो टाइम के हिसाब से लगते हैं ना, पहला पीरियड, फिर दूसरा पीरियड, फिर तीसरा पीरियड, ऐसे ही पीरियड में क्या है, आवर्त के हिसाब से पदार्थ लगे हुए हैं। जैसे पहले पदार्थ का जो परमाणु भार है वो एक यूनिट है, दूसरे का दो यूनिट, तीसरे का तीन यूनिट, तो इसने देखा थोड़े थोड़े अंतराल के बाद जो छठा आया वो क्या था, पहले जैसा ही था, उसके भौतिक गुणधर्म भी, रासायनिक गुणधर्म भी। तो ये जो 63 पदार्थ थे
उन सबको इसने ऐसे वर्गीकृत किया और सबके सब आराम से क्या हो गए, ये सारे आवर्त सारणी के हिसाब से लगाए जा सकते थे। अब हम एक बार इसका अभ्यास देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करके निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड का सूत्र अनुमान कीजिए। तो हम ये जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र, इसमें हम क्या देखते हैं, हम इस रासायनिक सूत्र में देखते हैं कि उसके सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, उसी हिसाब से फिर हम उसका सूत्र बनाते हैं। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में बनाए थे ना सूत्र, वैसे ही बनाने हैं हमें इस आवर्त सारणी के हिसाब से। तो सबसे पहले है K, K का मतलब होता है पोटेशियम, पोटेशियम का सूत्र क्या होगा, K2O। इसके बाद है कार्बन, कार्बन का सूत्र होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है Al, Al मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सूत्र क्या होगा, Al2O3। इसके बाद है सिलिकॉन, सिलिकॉन का सूत्र होगा SiO2। इसके बाद है बेरियम, बेरियम का सूत्र क्या होगा, BaO। ठीक है, तो ये सूत्र जो हैं ये सारे तुम लिख सकते हो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि मेंडलीव जो है उसके द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम के आधार क्या है। ठीक है, जो उसने सारणी बनाई थी उसका आधार क्या है, उसका आधार क्या है कि तत्वों के जो गुणधर्म है वो उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इसके बाद मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, उसने क्या किया, उसने तत्व के पहले रासायनिक गुणधर्म देखे, फिर उसने क्या किया, उसने फिर तत्वों के क्या देखे, भौतिक गुणधर्म देखे, और उसके बाद उसने उनका परमाणु द्रव्यमान देखा। ठीक है, ये मैंने तुम्हें समझाया था अभी, उसने परमाणु भार देखा, रासायनिक गुणधर्म देखे और भौतिक गुणधर्म देखे, और उसके बाद उसने क्या किया, उसने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक साथ रख दिया, तो उसने पाया अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इसमें तुम परमाणु भार के बारे में लिखोगे, इसमें तुम गुणधर्म के बारे में लिखोगे, और इसमें तुम रासायनिक गुणधर्म के बारे में भी लिखोगे। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट लिखने के बाद तुम इस लाइन को लिखोगे। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, मेंडलीव के तत्वों के अनुसार ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया, उसने क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है अत्यंत सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद इस वाक्य को पूरा कीजिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहते हैं, समूह या ग्रुप, और क्षितिज पंक्तियों को पीरियड या आवर्त कहा जाता है।